तुम दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके पेट्स भी ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, आज हम अपने फिंच बर्ड्स के लिए एक प्यारा सा घर बनाएंगे, वो भी सस्ते में, वो भी 110 रुपए में। और दो पेयर फिंच आप रख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं एक ही पेयर रखूँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि केज कैसे बनाए। तो आइए दोस्तों, क्रेट से केज कैसे बनाया जाए दो पेयर फिंच के लिए, लेकिन मैं एक पेयर रखूंगा इसमें, इसलिए मैं एक पेयर के हिसाब से बना रहा हूं। तो ये इस तरीके का आपको एक क्रेट चाहिए फल का, और इसका दाम जो होता है दोस्तों, ये 40 रुपये में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो ये होल जो देख रहे हैं आप, इसको मैं बंद करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर बंद करूँगा, और ये जो ऊपर की तरफ पूरा जाल लगेगा दोस्तों, ठीक है, और एक नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे में भी काफ़ी होल है, तो इसके नीचे में भी हम लोग जाल लगाएंगे, लेकिन भीतर से, बाहर से नहीं, ठीक है, भीतर से हम लोग नेट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको नेट भी दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का नेट लगेगा। ये मुझे आपको 15 रुपये स्क्वायर फीट का पड़ा है, तो मैं 6 इंच ज़्यादा लिया हूँ। तो मैं बता दूँगा इसका क्रेट का साइज क्या है और जाल कितना हमें लेना है, ये भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों, ये जो लंबाई है इसका, ये आपका है 19 इंची, ठीक है, ये 19 इंची का लंबाई है। और ये जो दोस्तों चौड़ाई जो है इसका, ये है 15 इंची का, ठीक है दोस्तों, ये 15 इंची का है। और अब इसका जो डीप का जो बात करेंगे, ये टोटल आपका 13 इंची का डीप है, ये जो गहरा है ये 13 इंची का गहरा है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ये जाल 6 इंच ज़्यादा किना है, क्योंकि मुझे इनके टुकड़ों में भी चाहिए, ये जो टुकड़े हैं दोस्तों इसमें भी चाहिए, तो इसलिए मैंने जाल एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब जाल को फिट करना चालू करते हैं। दोस्तों ये कट गया है, ठीक है, अब जो इसका जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है उसको हम लोग कर लेंगे बेंड, मोड़ लेंगे, ठीक है। मोड़ने के बाद ये आसानी से अंदर की तरफ चला जाएगा। देखिए दोस्तों हमने मोड़ लिया है, और ये अब आसानी से अंदर की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। जो ये यू सेव है दोस्तों, अब जाल को भी जो एच है ये नेट का, इसको भी यू सेव में काटना है या तो फोल्ड करना है, ठीक है, तभी आसानी से उस नीचे में बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नेट है दोस्तों, ये कट गया है, और इस तरीके से मैंने फोल्ड भी कर लिया है, जैसे कि आप इसका एच देख सकते हैं कैमरा में, ये देखिए इसका जो एच है दोस्तों, मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया ताकि यू शेप में आ जाए, और ये आसानी से भीतर की तरफ चला जा रहा है छोड़ देने से, ठीक है। तो अब हम इसे कर लेंगे फिर, ठीक है। तो इसमें मेरा मदद लगेगा दोस्तों इस चीज़ का, हथौड़ी का, ठीक है। तो मैं इसे इस तरीके से अंदर की तरफ और अच्छे से बैठा लेता हूँ, ठीक है। एक वायर लगाऊंगा, मतलब तार लगाऊंगा, ठीक है, चार कोने से चार तार हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको कर लेते हैं हम साइड, और आप फ्रंट का हम लोग काम करेंगे, इस वाले का जहाँ पे, जहाँ से हम लोग होल्ड करते हैं, ये वाला साइड को हम लोग बचा हुआ जाल से दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे भी काट लेते हैं दोस्तों। तो ये मैंने काट लिया है, ठीक है, ये जाल काट लिया, तो मैं देखता हूँ इसको अब इस तरीके से इसके अंदर फिक्स करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए दोस्तों वही टेक्निक हम लोग आजमाएंगे, पहले ये जितने एक्स्ट्रा निकले हुए हैं इनको हम लोग कर लेंगे फोल्ड,
ठीक है। तो मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, एक यहाँ पे छोड़ा है मैंने एक्स्ट्रा और एक यहाँ पे। इस तरीके से आपको बाद बाकी का फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे मैं भी मैंने दो एक्स्ट्रा छोड़ा ताकि मैं जब इसे हीट करूँगा, मतलब इसे गर्म करना है दोनों को, और गर्म करके यहाँ पे थ्रू डाल देना है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से गर्म कर कर इसे अंदर में फिट करें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दो मोमबत्ती जलाई है और ये पूरा ये जो दो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसी का साइज का है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों एक साथ गर्म होगा, ठीक है। और अगर आप गर्म कर रहे हैं तो केयरफुल आप किसी बड़े का मदद से ये चीज करें, क्योंकि आप अकेले ना करें तो अच्छा है। मैं यहाँ पर अकेला कर रहा हूँ बिकॉज मेरा कैमरामैन कोई नहीं है, तो मैं अकेले ही बना रहा हूँ। एक हाथ से कैमरा को होल्ड किया हूँ और एक हाथ से ये मैं गर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों गर्म हो गया है तो अब मैं इसे इसके अंदर इस तरीके से डालूँगा। ये देखिए दोस्तों ये चला गया, कितना आसानी से चला गया अंदर। जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है दोस्तों। जो ये निकला हुआ है इसको सबसे पहले हम कर लेंगे फोल्ड बाहर की तरफ। तो पहले इसको हम कर लेंगे उल्टा। देखिए इसको मैं फिर से गर्म, तो ये लग गया है, ठीक है, अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। तो अब हम लोग उस साइड भी वही करेंगे, ठीक है। ये जाल जो है दोस्तों दोनों तरफ फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम काम करेंगे फ्रंट की तरफ। ये फ्रंट का जाल जो है कट चुका है और आप पहले इसमें गेट काट लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। ये तार कट गया है, ये गेट कट गया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने काट लिया है। अब इसमें हम कोई मोटा सा तार जिससे हाथ ना कटे इसलिए वो देना है, फिर मैं इसे गेट को कंप्लीट करूँगा। तो पहले गेट कंप्लीट करेंगे फिर इसमें फिक्स करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने गेट बना लिया है, तो अब चलते हैं इसे फिक्स करने। तो दोस्तों जितना एक्स्ट्रा तार मैंने निकाल के रखा था, तो यहाँ से देखिए दोस्तों गर्म करके हमने एक एक करके अंदर डाल दिया है मोमबत्ती से गर्म करके पूरा। आप अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ट्रे सिस्टम बनाएंगे, बिकॉज अगर कोई बर्ड्स गंदा करता है तो उसको साफ किया जा सकता है, तो यहाँ से ट्रे सिस्टम करेंगे हम। तो इसका जो होल है दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर होल अभी ज़्यादा है, तो चूहे वगैरह जाएंगे। तो इसका मैं ट्रे सिस्टम तो करूँगा और इसके होल को भी मैं फिलहाल बंद करता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी हद तक बन चुका है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके गेट के ऊपर काम, इसके गेट में लॉक बनाएंगे और गेट पूरा कंप्लीट करके ये पिंजरे को हम लोग कम्प्लीट करते हैं। तो फाइनली गाइस मेरा जो केज है वो बन चुका है, वो भी 110 रुपये में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गेट पूरा मैंने फिनिशिंग दिया है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है ये मैं काट लूँगा। खैर जैसा कि देख सकते हैं गेट का अलग सा मैं वीडियो बनाऊँगा कैसे बनाते हैं गेट। इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं, तो 110 रुपये में काफ़ी सस्ते में बन गया है। अगर आपका पीछे में होल नहीं रहेगा ज़्यादा तो आपको सिर्फ फ्रंट का जाल लेना है, क्योंकि इसमें होल बेसी था पीछे में, तो जिसके कारण मुझे भीतर से भी नेट एक देना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ से चार तरफ से मैंने उस जाल को सील कर दिया है बांध के, अब वो जाल हिलेगा भी नहीं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।